उसकी लाइफ की जर्नी है वो हमारे साथ ही गुजरी है, इतने सालों से हम दोस्त हैं, एंड ऑब्वियसली टू सपोर्ट दिस आई हैड टू कम, बिकॉज उन्होंने बोला कि डॉक्यूमेंट्री है अबाउट यू नो डांस एंड रियलिटी क्या कर रहे हैं, तो हमको ऐसा लगा कि यहाँ आना ही है, देखना ही है, और मैं देखना चाहता हूँ कि किया क्या है, यू नो रियलिटी है तो हमको पता रियल क्या है, लेकिन किस तरह दिखाया गया है, यू नो दिखाया कैसे वो देखना चाहता हूँ। टेरेंस और मैं और मेरी वाइफ, हम यू नो वनीता, जब से टेरेंस स्टार्ट किया डांसिंग तब से हम साथ में हैं। उनकी पहली जो क्लास थी वहाँ वनीता मेरी वाइफ यू नो उनके साथ में रह चुकी हैं, एंड मैं बाहर था हमेशा सपोर्ट करने के लिए, ले जाता था उनको पिकअप करने के लिए, और टेरेंस और मैं यू नो साथ में बड़े हुए, इट्स लाइक दैट लिटरली। हाँ, मेरे को पता था कहाँ रहता था और अब कहाँ रहता है बांद्रा में जाके, तो उसकी पूरी जर्नी पता है, मतलब मेरे घर पर आके जब पार्टी हम करते थे तो वहाँ की मेरी जर्नी और उनकी जर्नी साथ में जाके हम बड़े हुए। टेरी, सो यस, फ्रॉम चाइल्डहुड टू नाउ, आई जस्ट टेलिंग दैट हाउ वी ईच ग्रोन टुगेदर, एंड बहुत पहले की इसकी जर्नी में यू नो हमको पता है अंदर क्या हुआ है, कैसे हुआ है, 1992-93 ऑलमोस्ट 30 साल पहले। सो इस फर्स्ट क्लास जब स्टार्ट किया था तो मी एंड माय वाइफ यूज्ड टू बी, ही यूज्ड टू गो, ही यूज्ड टू कम टू पिक अप हिज वाइफ फ्रॉम द डांस क्लास। मैं बाहर बैठा रहता था गाड़ी में क्लास में और फिर मैं पिकअप करूंगा, सो वी नो टू देयर ऑल द बेस्ट वे ऑफ फैंटास्टिक न्यू रियलिटी। आई होप द रियलिटी इज एज इंटरेस्टिंग एज द एज व्हाट यू सी ऑन टीवी। एनीथिंग दैट ही डज इज फैंटास्टिक। थैंक यू सो मच। तो आप सिर्फ स्माइल करते रहेंगे, हंसते रहेंगे, और हाँ कुछ अच्छी बातें सीखते रहेंगे वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे ऐसे ऐसे लोग हैं जैसे श्रीकांत सर हैं, विद्या मैम हैं उनकी वाइफ, हिमालय सर हैं, भाग्यश्री मैम हैं, तो ये मतलब सबके अलग 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 जर्नी रही है उनकी अपनी लाइफ की, और प्यार वाली लाइफ है। हाँ। तो वो ना अपने को भी देख के ऐसा लगता है कि काश हम भी ऐसे, या आगे चल के हमको ऐसा होना है, ऐसा बनना है, और वहीं पे एक होता है ना कि लाइक प्यार में जो नोक झोंक होती हैं और हर जगह वो हर जगह होती है ये सारी चीज़ें, लेकिन जो गेम खिलाते हैं हम 10 कपल के बीच में, और देखो हर एक कोई चाहता है गेम जीतना, लेकिन गेम को ऐसा नहीं है कि जीत जाऊँगा तो मैं ऐसा वैसा, बट एक वहाँ पे जिस हिसाब का माहौल क्रिएट कर रखा है ना, ये लोग बहुत चालाक हैं स्मार्ट जोड़ी वाले, इन लोगों ने ना सेलिब्रिटी को एकदम बंदर बना दिया है वहाँ पे, आप कोई भी गेम होगा ना उसको जीतने के लिए बच्चों से हरकत कर रहे हैं, तो इसलिए ना पब्लिक को ज़्यादा अच्छा लग रहा है ये, क्योंकि एक सेलिब्रिटी ना सेलिब्रिटी नहीं है वहाँ पे, वो एक बच्चा भी है, एक हस्बैंड, और उसके ऊपर हम लोग हम मुझे ऐसा लगता है कि हम पहली बार हमारी जो जर्नी रही है, जो हमारी जो रिलेशनशिप है उसको भी हम आप लोगों के सामने इस शो के थ्रू ला पा रहे हैं, जो शायद हम कभी बोल नहीं पाते, सो दैट्स सो इंटरेस्टिंग। तो और सबका स्टोरी सुन के ऐसा लग रहा है जैसे सच में हम लोगों को कितने स्टोरीज सुनने को मिल रहा है, सो इट्स रियली इंटरेस्टिंग। हाँ, मैं तो नर्वस हो जाती हूँ। मैं देखो मुझे लगता है कि सीरियस मैं लेता हूँ अंदर से, फन वे में लेते हैं। हाँ, फन वे में रखता हूँ मैं सारी चीज को, बट हाँ मुझे जीतना अच्छा लगता है, और मैं जीतता भी आया हूँ ना शायद। लकली मैं जीता भी हूँ। सो जीतते भी आए हो, सबसे पहले जानना चाहूंगी कि कंपटीशन किससे को मानते हो? अरे ये क्वेश्चन दूसरों से पूछो, हो सकता सब मेरा नाम ले एक साथ, बट ऐसा नहीं है दोस्तों। आप दोनों किसको मानते? नहीं मुझे देखिए, ये आप ना ऐसा बिल्कुल नहीं प्लान कर सकते हो या बोल सकते हो कि कौन अच्छा है कौन नहीं अच्छा है, क्योंकि अलग अलग टाइप के डिफरेंट टाइप के गेम्स दिए जाते हैं हमको। जैसे एक बार मुझे दे दिया लव लेटर लिखने के लिए, अब मैं महाकच्चा उसमें हूँ लव लेटर में, तो कोई और ही जीत जाएगा। ठीक है, अगर कुछ अलग गेम देंगे जो मेरे टाइप का है तो मैं उसको निकालूंगा। जैसे श्रीकांत सर है तो वो लोग सबके हिसाब से ही है। हाँ। ऐसा नहीं है कि आपको लगेगा अरे ये तो गेम ही जीत जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब मुझे अगर दे दिया रोटी बनाने तो ये बस चली गई आउट, मैं पहले बोल दूंगा खाना बनाना हो गया। ऐसा होता है, मैं बहुत नर्वस हूँ बिकॉज हमारे देश में जिस तरीके से फिल्में बनाते हैं वो बहुत फास्ट पेस होती है, एजी होती है, और
ये जो बंदा है ये फ्रांस से है, ये हमारे डायरेक्टर साहब है पियर। यहाँ पे जो म्यूज़िक दिया है वो यू नो मैक्सिम का म्यूज़िक है, बहुत खूबसूरत मोह है। एलेक्स भी है जो DOP है रहे हैं। तो इनकी जो परख है या जो समझ है सिनेमा की वो बहुत अलग है, और एक फास्ट पेस्ड यू नो बॉलीवुड मुंबई स्टाइल के फिल्म से हटके एक बहुत ही स्लो डॉक्यूमेंट्री जहाँ पे आप बहुत गहराई के अंदर जाते हो, जो ठहराव दिखाते हो, द साइलेंसेस, ये बहुत ऑडियंस के लिए पता नहीं वो एक्सेप्ट करेंगे नहीं करेंगे। मेरे हिसाब से वो मेरे दोस्त जिनको मैंने बुलाया वो शायद बोलेंगे क्या यार तूने क्या दिखा दिया। सो आई फेल्ट इट्स डिफरेंट, बट उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट थी बिकॉज उनको लगता है कि यही लाइफ है। लाइफ इज़ नॉट ऑलवेज अ रश, इट इज़ ऑल्सो द कॉन्ट्रास्ट, जो अंदर की बातें हैं जब आप अपने आप में चले जाते हो। तो वो वाली चीज़ें जो हैं जो उन्होंने में देखी और उन्हें लगा कि इसमें ज़्यादा गहराई है, और जो मैं दिखाता हूँ टीवी पे वो एक अलग पहलू है, वो टीवी के लिए बनता है, वो एंटरटेनिंग के लिए है, लेकिन एक नॉन एंटरटेनिंग साइड भी होता है जहाँ पे आप अपने आप में रहते हो और वो भी एक सच होता है। तो वो सच को पियर ने दिखाने की कोशिश की है। सो आई एम नर्वस। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। पियर जो है मैं इसको जानता भी नहीं था। हर साल मैं डांस सिखाने जाता हूँ वियना ऑस्ट्रिया, और वहाँ पर जाके क्या हुआ कि उसके बाद मैं एक दो हफ्ते के लिए यू नो हॉलीडेज़ करता हूँ, तो मैं एक कंट्री चूज़ करता हूँ या सिटी चूज़ करता हूँ। तो मैंने एक जगह चूज़ की थी कॉर्सिका, वहाँ पर जाके एक आइलैंड है, फ्रेंच आइलैंड है। तो वहाँ पर गया, होटल बुक किया था, लेकिन जहाँ पे गया 6 बजे शाम के थे, उन्होंने बोला कि आपकी बुकिंग कैंसिल हो गई क्योंकि हमने किसी और को दे दिया, और वहाँ पर एक भी होटल फ्री नहीं था। तो फिर वो रिसेप्शन से बोला कि ठीक है, मुझे अब बहुत तरस आ रहा है, हमारे पास एक कैंप साइट है वहाँ पर, अगर आपको यू नो रात गुजारनी है तो आप जा सकते हो, मेरे पास और कुछ चारा नहीं है, मैंने कभी कैंप पर रहा नहीं हूँ। और उन्होंने बोला कि ठीक है, हमारे मेरे कुछ दोस्त भी है जो वहाँ कैंप साइट पर रह रहे हैं, तो तुम भी उनके साथ रह सकते हो। वो दोस्त थे पियर, उनकी दोस्त, और वहाँ पे हमारी मुलाकात हुई, बातचीत हुई, और मुझे समझ में आया कि वो भी डायरेक्टर हैं, फ्रेंच डायरेक्टर है, यंग है, और वहाँ से हमारी मुलाकात ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी क्योंकि उनको अंदाज़ा नहीं था कि इंडिया में क्या होता है और मैं कौन हूँ। जब वो इंडिया आए तो मैंने कुछ बताया नहीं था, फिर उनको समझ में आया कि अच्छा मैं एक लोग मुझे जानते हैं, तो उनको बहुत फनी लगा ये पूरा प्रोसेस, और उनको लगा कि यू नो वी शुड यू नो एक्सप्लोर दिस साइड बिकॉज दिस इज़ वेरी डिफरेंट फॉर फ्रांस एंड फॉर फ्रेंच सिनेमा। सो ही एक्सप्लोर्ड दैट एंगल ऑफ इट एंड ही इन्जॉयड शूटिंग। ही फॉलोड मी अराउंड फॉर ऑलमोस्ट 1.5 ईयर 3 मंथ्स, और कभी कभी वो मेरे सेट पे आ जाता था अचानक, एंड आई वुड बी लाइक आप क्या कर रहे हो यहाँ पे। कभी कभी मैं यू नो शोज करने जाता था तो मुझे पता भी नहीं था कि वो वहाँ पे टपक आ जाता था, बोलते मुझे शूट करना है, कि पीछे क्या होता है, गाने के पीछे क्या होता है, शूटिंग के पीछे क्या होता है। सो इट्स इन दैट जोन। Okay. So what do you want to say about our meeting and what this film is about? Okay. Yeah, at the beginning, when I proposed to Terence to make a documentary about him, he was thinking that I wanted to shoot him in TV shows, performing, etc. And me, I told him, Terence, me, I want to shoot you when you are alone in your car, alone walking in a park, alone at your flat. And he told me, are you serious? And I said, yeah, it's exactly what interests me. Actually, I wanted to show a part that I knew because I was close to Terence. He was like a brother for me. And I had time in Mumbai with him, like a friend, and I saw a lot of things very interesting. And I told him, Terence, me, I am very interested only in the parts that people don't know. So during 3 months, he was very surprised that sometimes I was shooting him behind him in a park. He said, what are you doing? No, Terence, it's very interesting. Let me, trust me. And he trusts me, actually. And I think the movie talks about the parts of Terence, and it could be another guy, another star, actually. It could be you, it could be us, because we have all those emotions and those feelings. Exactly. We have all a private life. Exactly. And Terence in this movie have let me show it. So thank you. So basically, we can see a raw version of unseen. Yeah, it is an honest and also a very vulnerable side of mine. Ki jo hum
शायद और विदाउट यू नो मेकअप हेयर लाइट जस्ट द सिंप्लिसिटी ऑफ इट ऑल तो वो इट्स अ मोस्ट सिंपल टेरेंस दैट यू प्रोबली दैट इज प्रोबली ओनली माई क्लोज पीपल नो तो आई थिंक इट्स गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग एंड समटाइम्स इट्स ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू मेक पीपल रियलाइज कि ये ग्लैमर के पीछे एक इंसान है जो एकदम बहुत ही सादगी में रहता है एंड यू नो आई एंजॉय द सिंपल थिंग्स इन लाइफ रियलिटी भी है लेकिन एक तरफा का यू नो इट्स अ क्रिएटेड रियलिटी और लाइफ जो हम जीते हैं द लाइफ दैट वी लिव इज नॉट क्रिएटेड इट जस्ट हैपेंस सो वी आर बॉर्न टू इट सो आई थिंक देयर्स अ लिटिल बिट ऑफ अ डिफरेंस देयर डांस इज अ क्रिएटेड रियलिटी हम क्रिएट करते हैं और जो लाइफ हम जीते हैं इज ऑलरेडी क्रिएटेड विद इन अस तो फ्रॉम दैट एस्पेक्ट टू द रियलिटी ऑफ हु यू आर द कोर ऑफ यू जब ये सब फेम ग्लोरी जो भी है ये सब जब आपको मतलब इसके अलावा एक इंसान है अंदर वो इंसान इज वॉट वी वॉन्ट टू सी एवरी टाइम सो आई थिंक वी नीड टू गो बियॉन्ड द लेबल्स ये जो लेबल है कि मैं ये हूँ मैं वो हूँ ये जो भी हो चाहे वो फेमस हो या नॉन फेमस हो वी ऑल हैव अ पर्सनैलिटी उस पर्सनैलिटी से परे एक इंसान अंदर बैठा है वो कुछ सोचता है वो फील करता है उसके एक वीकनेसेस होते हैं उसके एक यू नो वो जूझता है लाइफ से सो दोज आर द मोमेंट्स आर वी लुकिंग एट वेल ये दिस डॉक्यूमेंट्री इज शॉट बाई फ्रेंच डायरेक्टर पियर एंड म्यूजिक बाय मैक्सीन एंड डीओपी एलेक्स ये आने वाला है ऑन यूट्यूब ऑन 13th ऑफ अप्रैल सो इट्स गोइंग टू बी अ इंडिया रिलीज एंड वी आर वेरी एक्साइटेड फॉर इट पेरिस में ऑलरेडी हो चुका है द प्रीमियर दिस इज अ इंडियन प्रीमियर